नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे आज डायमंड स्टॉक के बारे में और वीडियो में आपको आने वाला है मजा। तो वीडियो पे हिट लाइक बटन को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे तेज नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो का। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग डायमंड स्टॉक चाहते हैं वीकली दो, तो आपको करना क्या है, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है टिकर टेप का, उस पर क्लिक करना है। मोस्ट ऑफ द क्लिक्स आएंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपको डायमंड स्टॉक भी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कई सारे डायमंड स्टॉक प्रोवाइड करे थे हमने, जैसे कि सन टीवी हो गया, आरबीएनएल हो गया, जीएमडीसी हो गया, सबने 20-25% के रिटर्न दिए हैं विद इन वन मंथ। तो इसीलिए कहता हूं कि डायमंड स्टॉक पे भी फोकस करें। डायमंड स्टॉक होता क्या है, कई सारे बिगनर पूछ रहे थे। तो देखिएगा डायमंड स्टॉक क्या होता है, डायमंड स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे। छोटे छोटे डिप्स पे बाय करना होता है, पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक्स होते हैं ये। और जब भी आपको सफिशियंट आपको यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखे तो आप वहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि डायमंड स्टॉक में, स्विंग ट्रेड स्टॉक में बिगिनर्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ समझ में भी जल्दी आती है और वहाँ पे आपकी जो छोटी कैपिटल है उसे ग्रो करने का टाइम भी मिल जाता है। तो देखिएगा ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट हैं, तो देखिएगा उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमाया है, काफ़ी अच्छी कैपिटल ग्रो कर रहे हैं और आज भी देखिएगा काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है। तो देखिएगा ये फल किस चीज़ का, ये फल है लर्निंग का। देखिएगा काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से वो लर्न कर रहे हैं और धीरे 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 उन्होंने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करी और यहां पे उनको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो सारे बिगिनर्स के लिए मोटिवेशन है, प्लीज इसीलिए जैसे कहता हूं वैसे ही आप उस चीज को एग्जीक्यूट किया करें। इसके अलावा आपको पता है कि इंजीनियर्स इंडिया का कल हमने स्टॉक प्रोवाइड करा था और वहां पे आपको देखिएगा बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले और जो सेकंड टारगेट था वो भी हिट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो 10-12% के रिटर्न आपको यहां पे देखने को मिले। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हमने ये भी आपको 4 दिन पहले स्टॉक प्रोवाइड किया था, भेल का स्टॉक प्रोवाइड किया था, वहां पे भी आपको आज 7-8% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको दो चीजें देखनी चाहिए, एक तो डिविडेंड यील्ड जो आपको सेकंड रिटर्न देता है और एक स्टॉक के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं। तो देखेंगे अगर आप देखेंगे तो सेक्टर का देखिएगा स्टॉक का पी आपको 10.45 के आसपास देखने को मिलेगा, सेक्टर का पी 28.76 के आसपास है। अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको अभी भी मिल रहा है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डिविडेंड यील्ड, वो कितना है 6.20% का, 3-4% का मैं बहुत अच्छा मानता हूं और यहां पे आपको 6.20% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स अगर नहीं भी बन के दिखे लेकिन आपको डिविडेंड काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, ये एक बैकअप लेके चले जाकर। ये फिर बात करते हैं एक्सपर्ट की राय, तो एक्सपर्ट भी 83% एक्सपर्ट मानते हैं कि इस स्टॉक पे निवेश करना चाहिए। ये सारा होमवर्क आप कहाँ कर सकते हैं, टिकर टेप वेबसाइट पे, कमेंट सेक्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे तो जल्द से जल्द आपको डायमंड स्टॉक प्रोवाइड किया जाएगा। और अब बात करते हैं फाइनेंशियल फंडामेंटल की, तो देखिएगा आपको देखिएगा फाइनेंशियल फंडामेंटल में अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा आपको रेवेन्यूज देखिएगा डबल के आसपास हो गए, रेवेन्यूज जो हैं आपको डबल के आसपास देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी देखिए, प्रॉफिट जस्ट डबल हो गए, अगर आप देखेंगे जस्ट डबल हो गए। तो देखिएगा कंसिस्टेंट कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल हैं और लगातार अच्छा काम कर रही है। इसके बाद बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो DIH के पास आपको देखने को मिलेगा 16% के आसपास का शेयर, म्यूचुअल फंड ने भी काफी अच्छा स्टेक ले रखा है और काफी ज्यादा बड़ा स्टेक इसके पास है, प्रमोटर के पास है और यहां पे एक सिंगल शेयर भी प्लेज में नहीं रखा गया है। कंपनी काफी स्ट्रांग है, अगर एलोकेशन देखेंगे स्टॉक का तो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि स्टॉक देखिएगा करंट वैल्यू उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है तो आपको देखिएगा चीप स्टॉक मिल रहा है। दूसरी बात रिटर्न एफडी से बेहतरीन बना के दिए हैं, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। एंट्री पॉइंट आपको ये तो देखना नहीं कि 10-20 दिन के लिए लेना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आपको डिप्स पे करेक्शन पे छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करनी है, पैटर्न इन्वेस्टमेंट करना है।
अब बात करते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम आपके सामने आ गया होगा, राइट्स लिमिटेड की हम लोग बात कर रहे हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे डोमेन में प्रोवाइड करती है, रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इनकी पकड़ है। तो इसलिए देखिएगा स्टॉक में अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। और सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो देखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 34% का देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगा 24%, सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ 22% की सेल्स ग्रोथ, और देखिएगा हाई देखिए 52 वीक का हाई 331, और आपको स्टॉक कहाँ मिल रहा है, आपको 253 के आसपास मिल रहा है। तो इसीलिए कहता हूं देखिएगा स्टॉक आपके सामने आ चुका है, स्टॉक की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 253 के आसपास स्टॉक लाए कर रहा है। तो देखिएगा स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। मैं फिर से बोलता हूं कि कभी भी कोई भी वीडियो देखिए तो उसमें आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है, अपना भी होमवर्क करिए, अच्छी तरीके से कंपनी की डिटेल और तरीके से सर्च करिए, और देखिएगा जैसे जैसे स्टॉक में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, स्टॉक में इस सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा और आपको भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।